जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बड़ी खबरें, 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक द्रास लद्दाख तक एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। बता दें, इस 30 सदस्यों की रैली में लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्नल साहब को लगाई फटकार। बता दें कि कर्नल साहब के बेटे का 100% डिसेबिलिटी थी और वो चाहते थे, मुंबई में पोस्टिंग थी 10 सालों से और वो चाहते थे 10 साल से बढ़ाकर और आगे तक हमें पोस्टिंग मुंबई में ही रखा जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ये जैसी कई प्रॉब्लम सभी सैनिकों को रहती हैं, आप अगर एक जगह पर 10 साल हो तो ये काफ़ी हो चुका, आप और बढ़ाना चाहते हो तो ये सभी सैनिकों के लिए ऐसी दिक्कतें रहती हैं। तो सभी सैनिक फिर कहेंगे कि हमें भी बढ़ाओ और 10 साल आपके काफ़ी हो गए हैं। सेना में कई लोगों को ऐसी परेशानी होती हैं, सेना में राष्ट्र सर्वोपरि होता है, आप 10 साल से हो गए हैं, अब आपको पोस्टिंग जाना ही होगा। दूसरी बड़ी खबर, आज राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वोटिंग हुई और बता दें इसमें NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जीतने के काफ़ी चांस हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 3 दिवसीय बांग्लादेशी दौरे पर गए हैं और कई देश भी चाहते हैं भारत से समझौता करके और अच्छे व्यवहार रखना, क्योंकि चीन के साथ जिन्होंने समझौता रखा है, व्यवहार रखे हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान के हाल देख चुके हैं। अब इस समय पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपए से ऊपर है और श्रीलंका का तो आप हाल देख ही रहे हैं। रोजगार से संबंधित समाचार में बता दें कि TCS में 700 पदों पर निकली भर्ती, केवल भूतपूर्व सैनिक बिना परीक्षा एग्जाम दे सकते हैं, बिना परीक्षा इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई बिना DGR के, बिना जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं। बता दें ये वैकेंसी का मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे अप्लाई करना है उसका भी डिटेल वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा जरूर देख लें। और कई स्टेटों में वैकेंसी है, J&K कई स्टेटों में है, UP, J&K, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर और कई जगह पर वैकेंसी है। डिटेल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। IBPS ग्रामीण बैंक के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसने फॉर्म भरे हैं जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। UP लेखपाल मेन एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, 30 जुलाई को मेन एग्जाम होगा। वायु सेना अग्निवीर भर्ती की तारीख का हुआ ऐलान। बता दें कि वायु सेना में एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे थे जल्द से जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भूतपूर्व सैनिकों के मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।